नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। ट्विटर, टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के लिए बीता साल कुछ खास नहीं रहा। वहीं इस साल की शुरुआत भी कुछ फीकी रही। $44 अरब में ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क को बड़ा नुकसान हुआ है। कभी दुनिया के नंबर वन रईस रहने वाले एलन मस्क ने संपत्ति गंवाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एलन मस्क दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने $16 अरब की संपत्ति गंवा दी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जापानी टेक निवेशक मासायोशी के नाम पर था। एलन मस्क उनको पछाड़ते हुए सबसे अधिक संपत्ति गंवाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि ट्विटर खरीदने के बाद एक और विवाद उनके नाम के साथ जुड़ रहा है। ट्विटर ऑफिस और प्राइवेट प्लान का किराया नहीं चुकाने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब तो ट्विटर ऑफिस के सामानों को बेचने की नौबत आ गई है। ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी, सर्विस और सुविधाओं में कटौती के बाद अब वो ऑफिस का सामान बेच रहे हैं। एलन मस्क ने ट्विटर ऑफिस के 331 सामानों की नीलामी शुरू कर दी है। ऑफिस की कुर्सियों, माइक्रोवेव, ट्विटर वर्ड, मास्क, फ्रीज जैसी चीज़ें बेची जा रही हैं। एक्स्ट्रा कमाई के लिए मस्क ने ये रास्ता निकाला है। इसके लिए ऑनलाइन नीलामी की जा रही है, यानी आप चाहें तो ऑनलाइन बोली लगाकर इन सामानों को खरीद सकते हैं। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।